बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाही करीम। ये प्रॉब्लम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से है और रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में हम देखते हैं कि दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की दो ये फार्म में पहली फार्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट, दूसरी को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड। जो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट होती है इसमें हम इनिशियल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में को देखते हैं। जब हम इसमें वेरिएबल को यानी सिलेक्ट वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं उसके बाद देखते हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की। जब आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत ना हो तब हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है। और स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में हमें एक या एक से ज़्यादा आर्टिफिशियल वेरिएबल की ज़रूरत होती है ताकि हम जो इनिशियल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको बना सकें। तो क्योंकि हमें LPP को लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता और ये स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल को ऐड करने पे मिलेगी तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड कहलाएगी। हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट की है। यूज़ रिवाइज सिंप्लेक्स मैथड टू सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमाइज करना है जेड को, मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 6x1 - 2x2 + 3x3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 2x1 - x2 + 2x3 = 2 x1 + 4x3 = 4 x1 x2 x3 > 0। ये नॉन निगेटिव कंडीशन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये कॉन्स्टेंट्स हैं और यहाँ पर x1 x2 x3 डिसीजन वेरिएबल हैं। तो सबसे पहले हमें जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है LPP है इसको एक्सप्रेस करना है रिवाइज सिंप्लेक्स फॉर्म फर्स्ट में इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमको ऊपर दे रखा है उसको लिखेंगे, यानी मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू 6x1 - 2x2 + 3x3 ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जब लिखेंगे तो आपको मालूम है ये रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड है। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है तो उससे ऑब्जेक्टिव फंक्शन इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं एक कॉन्स्टेंट की तरह। तो इसमें मैक्सिमम नहीं लिखेंगे, ओनली जेड लिखेंगे, पहला तो यही कॉन्स्टेंट लिखेंगे और इनको हम जब राइट से लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे क्लियरली। -6x1 हो जाएगा प्लस का 2x2 हो जाएगा और ये इसका साइन हो जाएगा माइनस का 3x3 और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं छोड़ा हमने ज़ीरो के अलावा। और बाकी जो गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एज इट हम लोग नोट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं जो सिलेक्ट वेरिएबल है क्योंकि हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट करना है जबकि उसमें इक्वेशन में होना ज़रूरी है। और ये मेथड जो है आपको मालूम है जैसे नाम है रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, तो सिंप्लेक्स मेथड से काफ़ी मिलता जुलता है तो बहुत सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड होंगी। कुछ नोटेशन और कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी सी अलग होंगी, इसलिए हम जिस तरीके से सिंप्लेक्स मेथड में सिलेक्ट वेरिएबल को ऐड करते हैं लेस देन वाली इनइक्वालिटी के लिए, तो दो लेस देन इनइक्वालिटी है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, दो ही ये कॉन्स्टेंट यहाँ पर इसको मिला देंगे तीन हो जाएंगे। अब पहले तो दो ही थे तो यहाँ पर हमने बोला कि पहला एक वेरिएबल सिलेक्ट वेरिएबल जोड़ेंगे x4 और यहाँ पर x5, x3 तक तो था, x4 और x5 इसमें अलग अलग जोड़ के हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये गिवन जो थे कॉन्स्टेंट पहला वाला उसको लिख रहे हैं, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव इक्वेशन से मिला हुआ ये यहाँ से लिख चुके हैं। तो ध्यान रहे कि x1 के नीचे x1 को ही लिखना है और इसको थोड़ा सा अच्छी करके लिखने के लिए हमें जगह छोड़ देना चाहिए थी यहाँ पर, ये ज़ीरो यहाँ ना लिख के क्योंकि x4 और x5 की जगह छोड़ देना चाहिए थी, तो इसको ना लिख के इक्वल का साइन थोड़ा सा जगह छोड़ते हुए इक्वल का साइन लगा के इधर ज़ीरो कर दें और x1 के नीचे x1 को लिखें। तो ये गिवन कॉन्स्टेंट था उसमें से हम लिख रहे हैं
यानी यहाँ पर है 2x1 - x2 प्लस का 2x3। ऊपर देख लीजिएगा ये कॉन्स्टेंट्स जो दे रखा है पहला, उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब ये दूसरा कॉन्स्टेंट बन जाएगा हमारा रिवाइज सिंपलेक्स टेबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें राइट हैंड साइड में जो था वो लिखने से पहले लेस देन इक्वलिटी है, तो आप डिसीजन यहाँ पर स्लैक वेरिएबल जो पहला ऐड करेंगे वो x4 होगा, जगह x5 की छोड़ते हुए यहाँ इक्वल टू जो भी है राइट हैंड साइड में 2, उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा जो है कॉन्स्टेंट वो है x1 और x2 और x3 लिखाने से जगह छोड़ दीजिए, प्लस 4x3 और यहाँ पर भी x5 जो कि हमारा सिलेक्ट वेरिएबल ऐड कर रहे अपनी तरफ से वो है, और राइट हैंड साइड में 4 है उसको लिख देंगे। अब जितने भी हमारे यहाँ पर डिसीजन वेरिएबल हैं x1 x2 x3 या सिलेक्ट वेरिएबल हैं x4 और x5, उनको बता दें ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, नॉन नेगेटिव कंडीशन। तो यहाँ पर ये अब तैयार हो गई है हमारी रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल की स्टैंडर्ड फार्म हो गई। अब इसको हम जो हमारा सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट्स है ये, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होता है इक्वेशंस जो है कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स फार्म में, ताकि हमारे लिए आगे भी आसानी हो जाए। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, द सिस्टम ऑफ कॉन्स्टेंट्स का जो सिस्टम है, कॉन्स्टेंट्स इक्वेशंस हैं यहाँ पर, कॉन्स्टेंट इक्वेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड, एक से ज़्यादा चीज़ों से जो बना होता है उसे सिस्टम बोलते हैं हम। तो कई इक्वेशंस हैं तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेड एज इन दी मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले तो कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ पर जेड का जो कोफिशिएंट है 1 है, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन में जेड है नहीं, तो 0 0 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है, यानी जो जेड के लिए होगा तो यहाँ पर 1 होगा और उसके नीचे 2 0 0 हो जाएंगे, ये आपने जेड के लिए लिखा है। और इसको हम लोग बोलते हैं E1 बोलेंगे। और इसके बाद जो होगा नेक्स्ट हमारा x1 का जो कोफिशिएंट है उनको लिखेंगे -6 2 और यहाँ पर x1 का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, तो इसको लिख देंगे। तो यहाँ पर पीछे देख के x1 का जो कोफिशिएंट है उसको लिख रहे हैं -6 2 और 1, उसके बाद x2 का जो कोफिशिएंट है वहाँ से उसको लिखेंगे। तो x2 का वो है देखेंगे 2 है, -1 है और यहाँ नहीं है तो 0 लिख देंगे, x2 प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम 0 लिख देंगे, जैसे कि अभी बोला हमने 2 -1 और 0। नेक्स्ट फिर x3 का देख लेंगे कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर माइनस का 3 है, फिर 2 है और यहाँ पर ये x3 का कोफिशिएंट थोड़ा सा हमने साइड से लिख दी, ये गलती है, इसको हम इसी के नीचे लिखना चाहिए था, यानी +4 टाइम्स x3, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, जैसे कि पहले हमने शुरू में बोला था वैसे ही इसको यहाँ पर लिखना है अच्छी तरीके से। x3 के नीचे x3 आना चाहिए, x1 के नीचे x1 आना चाहिए, तो आसानी से हम डिटेक्ट कर सकेंगे -3 2 4, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं -3 2 4। फिर बाद में तो आपको मालूम ही है x4 जो है वो इसमें हमारा नहीं है, लेकिन पहली सी बात यहाँ से हो रही है 1 और इधर नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो 0 1 0, ऐसे फिर हम लास्ट वाला x5 भी लिख देंगे 0 1 0 और लास्ट में 0 0 1। तो और फिर सारे हमारे जो ये वेरिएबल्स हैं जेड x1 x2 x3 x4 x5 आ चुके हैं, और राइट हैंड साइड में जो इन इक्वेशंस कॉन्स्टेंट्स में था, यानी 0 2 4, इनको राइट हैंड साइड में लिख दिए। इले सी बात है यहाँ पर एक कॉलम में यहाँ पर देख रहे हैं 0 2 4, यानी ये 3 एलिमेंट हैं, यानी 3 रो हैं, तो यानी हमारा बेसिस 3x3 का रहेगा। तो यहाँ पर 3 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स मिल रही है, जो कि हमें इससे मिल रही है कि
कि 10 यानी जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर वो यहाँ पर है 100, 010 और 001 जितने ज़ीरो होंगे एक एलिमेंट वन होगा और उसका प्लेस मालूम ही इस एक में यहाँ वन हो गया फिर इसमें बीच वाले में वन हो गया फिर लास्ट वाले में वन हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर ये बनाएंगे जैसे कि बताया था ये वाला कॉलम जो है वो इवन कहलाता है। पहला वाला ये X1 के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा 1 है और यहाँ पर ऊपर ये 1 लिख दे क्योंकि ये डिनोट करता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट को डिनोट करता है। ये अल्फ़ा 2 है ये 1 यहाँ पर लिखा रहेगा सभी में लिखना है 1 अल्फ़ा 3 ये 1 यहाँ पर लिख दें और इसी तरीके से अल्फ़ा 4 इधर 1 लिखा जाएगा। इस जो 1 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट को जैसे कि शुरू में बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट और सेकंड होती है रिवाइज सिंपलेस्ट टेबल में वो यहाँ पर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 सब लिख दिए गए हैं। और जो बेसिस में यहाँ पर रहेंगे तो उनके लिए इसको पहला ये है ये यूनिट वेक्टर उसे वीटा 1 ऊपर लिखेंगे और यहाँ पर नॉट लिखेंगे और फिर लास्ट के दो ये हैं तो इनको बीटा 1 तो ऊपर रहेगा यहाँ पर 0 के बाद 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा ऊपर तो 1 यहाँ पर लिखना है सभी में जो भी वेक्टर हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसके बाद अगली स्टेप होगी जो हमारे ये कॉन्स्टेंट्स लास्ट में आए थे आप इसे चाहे तो कम कलेक्टिवली इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें और फिर जो अभी हमने टिक किए थे आपको नहीं करना टिक तो उन टिक करने वाले जो भी हैं वेरिएबल इनको छोड़ के जो X1 X2 X3 है उनको हम इक्वेशन नंबर 1 में 0 के बराबर पुट करके हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन को फाइंड कर लेंगे। तो पुटिंग X1 X2 X3 0 इन इक्वेशन नंबर 1 तो हम ऑप्टेन करेंगे इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन जो कि इस तरीके से हो जाएगा द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं आपको हमने बता दिया कैसे निकालना है X1 X2 X3 को 0 के बराबर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो X1 यहाँ तो लिखनी है हमें इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन XB से लिखते हैं और इसमें जो आएंगे वेरिएबल वो आप यहाँ से भी जान सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम X1 X2 X3 को 0 रखेंगे तो यहाँ पर Z बच रहा है Z को लिखना है फिर इसके बाद ये X1 X2 X3 को 0 रखेंगे X4 बच रहा है और इधर X5 बचेगा इन तीनों को 0 को रखने के बाद। तो जब क्या मिला था Z मिला था और X4 और X5 ये बेसिक में आ गए और के राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी थी 0 to 4 वो यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये फाइंड किया है। इसके बाद हम इनिशियल बेसिक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो हम इनिशियल यानी इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद इनिशियल बेसिक मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो इनिशियल बेसिक बेसिस मैट्रिक्स इज गिवन बाय ये इस तरीके से दी जाती है यानी इसको हम लोग B1 कहेंगे। बन का ताल्लुक आपको मालूम ही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट से है बेसिस में और यहाँ पर बीटा नॉट 1 तो ऊपर आपको लिखनी है और बीटा 1 और बीटा ये 2 आ जाएगा ये ऊपर तो 1 इसमें लिखना ही है और ये हम लोगों ने इसको E1 से भी डिनोट किया था और इसको हमने अल्फ़ा 4 से भी डिनोट किया है और इसको अल्फ़ा 5 से भी डिनोट किया है इस चीज़ को और इसकी वैल्यू को अगर रखा जाए तो ये 100010 ये टेबल है यहाँ पर ये इक्वेशन है मैट्रिक्स वाला यहाँ से हम E1 की और अल्फ़ा 4 अल्फ़ा 5 की वैल्यू को अगर इस पे यहाँ लिखते हैं तो इस तरीके की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है जो थर्ड ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसे I3 बोलेंगे। इसका यूज़ यहाँ पर हो जाएगा जब हमें B1 इनवर्स की ज़रूरत पड़ेगी पहली बार तो
ये आई थ्री के बराबर है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होती है, तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। बाकी आगे आपको टेबल के अंदर ही बी वन इनवर्स मिल जाया करेगा। यहाँ पर पहली बार फाइंड करने की जरूरत है, वो भी आसानी से फाइंड हो चुकी है। अब इसके बाद हम यहाँ पर रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल को बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसको हम फर्स्ट टेबल कहते हैं या स्टार्टिंग रिवाइज्ड सिंप्लेक्स टेबल कह दें। सिंप्लेक्स टेबल रिवाइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि बार बार हमें पीछे की जो आइट्रेशन है उसको रिवाइज करना पड़ता है, उसको नए सिरे से लिखना पड़ता है, सब कुछ नए तरीके से। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लिखना होते हैं वेरिएबल्स इन बेसिस, बेसिस में आने वाले जो वेरिएबल्स हैं उनको लिखना होता है, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन जिसे हम लोग एक्स बी वन कहते हैं उसको लिखते हैं, और फिर एक हमारा ये कॉलम्स आते हैं बी वन इनवर्स के, और ये बी वन किससे बना है आपको मालूम है, ये आई थ्री है, और ये बना है यहाँ पर कौन से कॉलम आएंगे तो उसके लिए भी यहाँ पर जगह छोड़ दीजिए। तीन यहाँ पर इसके एसोसिएटेड कॉलम्स हैं, वो यहाँ पर हम लोग तीनों को बना देंगे। पहले आपको मालूम है कि ये ईवन, फिर अल्फ़ा फोर, वन तो लिखना ही है, अल्फ़ा फाइव है और यहाँ वन ऊपर लिखना है, और इसको हम लोगों ने बीटा नॉट वन से लिखा है, बीटा वन से लिखा है, और ऊपर तो हमें लिखना ही है बीटा टू वन से लिखना है लिखा था। और यहाँ पर हमें लिखना होता है जो इन कमिंग वेक्टर होता है उसके बाद, और आउट गोइंग के लिए हमें इस कॉलम में लिखना होता है मिनिमम रेशियो। अब मिनिमम रेशियो क्या रहेगा और इनकमिंग क्या रहेगा अभी तो नहीं मालूम है, तो मिनिमम रेशियो निकाला जाता है एक्स बी, अब मिनिमम एक्स भी अपन जो भी इनकमिंग वेक्टर यहाँ पर आएगा वाई उसी का हम इंडेक्स यहाँ पर लिख देंगे। फ़िलहाल अभी नहीं मालूम है वाई इंडेक्स यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर तो वन यहाँ पर लिखनी है, और फिर अब हम लोग टेबल को कंस्ट्रक्ट करीब करीब करने वाले हैं। तो जो इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन था उसमें वेरिएबल आ रहे थे जेड एक्स फोर एक्स फाइव, इसको तो हम इस कॉलम में लिखेंगे जेड और एक्स फोर और एक्स फाइव। तो एक्चुअल में ये जो बेसिस का हमारा पहला वेरिएबल है, तो इसे एक्स बी वन से इसको एक्स सफिक्स में बी वन से डिनोट करेंगे, इसे एक्स सफिक्स में बी टू से डिनोट करेंगे, जैसे कि ये लिखा है इसको भी इसी तरीके से कंसीडर करें। बी स्मॉल में है, एक्स के सफिक्स में बी वन लिखा हुआ है और एक्स के सफिक्स में हम देख रहे हैं बी टू लिखा हुआ है, ये ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास वेरिएबल तो पहले से ही सामने है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये टेबल पहली टेबल तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन हमें बहुत कुछ अभी यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले तो हमें इनिशियल बेसिक सॉल्यूशन लिखना होगा, और उससे भी पहले हम बता दें ये जेड है इसको इस कॉन्स्टेंट से थोड़ा सा अलग कर दें, क्योंकि ये अपनी तरफ से हम लोगों ने बनाया है, जो गिविन था उनका अलग रोल होगा और इनका अलग रोल होगा। तो अब हम जो सॉल्यूशन है उसको लिखेंगे, ये सॉल्यूशन हम लोगों ने इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन फाइंड किया था वो ये लिखना है ज़ीरो, लेकिन इसको लिखना है कॉलम में, तो ज़ीरो लिखेंगे, टू लिखेंगे और फोर लिखेंगे। अब आप जो बी वन इनवर्स है जो कि एक्चुअल में आई थ्री है, इसको एज इट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, यहाँ से कॉपी कीजिए। बी वन की जो वैल्यू है एक्चुअल में ये बी वन इनवर्स की वैल्यू है, क्योंकि सेम है, बी वन की वैल्यू भी आई थ्री और बी वन इनवर्स की वैल्यू भी आई थ्री है, इसलिए इसको एज इट नोट कर दिया, कॉपी कर देंगे। वन ज़ीरो ज़ीरो फिर ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन इतना लिख देंगे। अब यहाँ पर जिस तरीके से सिंप्लेक्स टेबल में होता है उस तरीके से हम डेल्टा नहीं निकालते हैं, फाइंड नहीं करते हैं, थोड़ा सा अलग है और इसमें कंप्यूटेशन भी थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कम है। तो अब अगली जो स्टेप होती है हमारी वो देखते हैं कि इसमें कौन से वेरिएबल्स यहाँ पर बेसिस में नहीं है, यानी यहाँ पर हमारा अल्फ़ा
वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री जो है वो बेसिस में नहीं है, तो इनके करस्पॉन्डिंग हमको नेट एवेल्यूएशन यानी डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करना होगी, मीन्स डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री। और वहीं से हमें पता चलेगा कि ये हमारा जो सॉल्यूशन आया लिखा है वो बेसिक ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। फिर हम उसके बाद अगला जो आइट्रेशन है, फर्स्ट अगला आइट्रेशन है उसको बनाएंगे। अभी तो हमारा फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पर इन कमिंग जो है वेक्टर पता करने के लिए पहली चीज़, और इस सॉल्यूशन पता करने के लिए पहले तो ये सॉल्यूशन है नहीं ऑप्टिमल वो पता करें, और सॉल्यूशन नहीं है तो इनकमिंग कौन होगा, आउटगोइंग कौन होगा, उसको हमें फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो डेल्टा की वैल्यू है, और डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए और किन की डेल्टा की वैल्यू निकालना है, जैसे हमने बता दिया जो बेसिस में नहीं है अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री, उसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री की वैल्यू निकालना है। और इनके लिए फार्मूला जो है अलग हो जाएगा सिंप्लेक्स मेथड से। इसमें क्या करना होता है कि फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट रो ऑफ बी वन इनवर्स आपके टेबल में मौजूद है, और इनके करस्पॉन्डिंग जो अल्फ़ा की वैल्यू है उसको लिखेंगे, यानी अल्फ़ा वन की वैल्यू, अल्फ़ा टू की वैल्यू, अल्फ़ा थ्री की वैल्यू। आपको मालूम है ये फेस सॉरी ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी फर्स्ट चल रही है, तो ऊपर हम यहाँ पर वन वन लिख के इस चीज़ को इंडिकेट करते रहेंगे, हम इनकी वैल्यू भी लिख देंगे। फर्स्ट रो ऑफ वी वन इनवर्स, आपको मालूम फर्स्ट रो जो है वी वन इनवर्स ये है, और ये वी वन वाला कॉलम यहाँ से शुरू यहाँ ख़त्म, तो ये वाला रो है फर्स्ट रो है 100, इसके एलिमेंट हैं जिसको यहाँ पर हम लिख देंगे। शुरू में माइनस लगा हुआ है 100, ये एक्चुअल में एक मैट्रिक्स है, और ऐसे ही हम लोग इन कॉलम को इन वेक्टर को मैट्रिक्स में लिखेंगे। और इसके लिए हम जो शुरुआत में यू टेबल दे रखी है अल्फ़ा वन यू वी ये वाली टेबल है, इसमें से हम अल्फ़ा वन की वैल्यू लिखेंगे, सिक्स माइनस सिक्स टू वन, अल्फ़ा टू की वैल्यू और अल्फ़ा थ्री की वैल्यू को इस यहाँ से देख के लिख देंगे, जो आपका इक्वेशन नंबर वन के बाद वाले इक्वेशन मैट्रिक्स फार्म वाला इक्वेशन है उसमें से माइनस सिक्स टू वन टू माइनस वन ज़ीरो माइनस थ्री टू फोर। और फिर दो मैट्रिक्स का किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो मैट्रिक्स का यूज़ करते हुए आप मैट्रिक्स में थोड़ी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं कैसे करते हैं इसका नॉलेज कर लीजिएगा। इसका मालूम अगर हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करना होता है, और रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन एक ही रो है यहाँ पर तो एक ही रो आएगा, लेकिन कॉलम तीन है, तो इधर आगे बढ़ेंगे तो नीचे बढ़ेंगे, तो इसका इनटू करेंगे तो माइनस का सिक्स और प्लस करते रहेंगे क्योंकि ज़ीरो है ये एलिमेंट इनका इनटू, तो ज़ीरो ज़ीरो आएगा, तो एक ही यहाँ पर रो आएगा, तो बस एक ही रो लिखना है। तो ये हो गया पहला कॉलम, इसका इनटू इसमें करेंगे तो आ जाएगा टू और ये ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, ऐसे इसका इनटू यहाँ करेंगे तो ये माइनस थ्री प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी माइनस सिक्स टू और माइनस का थ्री, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो सिक्स माइनस टू और ये प्लस का थ्री, इस तरीके से डेल्टा वन, डेल्टा टू और डेल्टा थ्री की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर डेल्टा आ गए सारे, और देखने हैं कि सारे ये निगेटिव नहीं है, इसमें से दो तो पॉजिटिव ही हैं, डेल्टा वन की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा थ्री की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव होने की वजह से हम कह सकते हैं सिंस डेल्टा वन इजिकल टू सिक्स, डेल्टा टू थ्री इजिकल टू थ्री आर पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव होने की वजह से ये कह सकते हैं द जो हमारा इनिशियल जो शुरुआती है इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इस नॉट ऑप्टिमल, ये ऑप्टिमल नहीं, सारे निगेटिव होते हैं तभी ऑप्टिमल की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यहाँ पर तो ऑप्टिमल नहीं है, ऑप्टिमल नहीं होता है तो हमें इम्प्रूव करना होता है टेबल को, और उसके लिए हमें नेक्स्ट टेबल बनाना होती है, और नेक्स्ट टेबल बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है इनकमिंग वेक्टर की और आउटगोइंग वेक्टर की। तो अब हम इनकमिंग वेक्टर कौन सा होना चाहिए ये डिसाइड करता है डेल्टा की ही वैल्यू, जो भी हम लोगों ने जैसे हम लोग डेल्टा के निकालते कहते हैं उसको निकालते हैं, और ये मैक्सिमम जो डेल्टा
वन अभी आया था, डेल्टा टू आया था, डेल्टा थ्री, उसमें जो मैक्सिमम होगा उसको लिखेंगे। तो आपको मालूम ही है कि अभी जो वैल्यू आई है, मैं 6 आई है, माइनस 2 आई है और 3 आई है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के करस्पॉन्डिंग। इनमें मैक्सिमम जो है वो 6 है, जो डेल्टा 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर k की जो वैल्यू है, डेल्टा k इक्वल डेल्टा 1, तो k की वैल्यू 1 है। तो 1 होने से हम कह सकते हैं देयरफॉर अल्फ़ा 1 जो होगा इज़ इनकमिंग वेक्टर होगा, इनकमिंग वेक्टर। तो इनकमिंग वेक्टर जब हमें मालूम हो गया तो हम कह सकते हैं कि इट देयरफॉर x1 विल इंटर द बेसिक सॉल्यूशन। यानी अगला हम लोग जो टेबल बनाएंगे, सेकंड सिंपलेक्स टेबल, तो उसमें x1 तो इंटर कर जाएगा। अब इंटर करेगा तो यहाँ पर जो हमने कॉलम छोड़ रखा है y1 इंटर करने वाला, यानी ये पता हो गया कि अल्फ़ा 1 है, तो यहाँ पर y1 लिख देंगे। लेकिन इसकी वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। y1 है तो आप क्या करेंगे, b1 इनवर्स तो लिखनी है। इसके बाद अगर y1 है तो यहाँ पर अल्फ़ा 1 ऊपर तो 1 रहना ही है, इसका करेंगे। और मालूम है ये b1 इनवर्स क्या है, b1 इनवर्स तो हम लोगों ने फाइंड कर ही लिया था, ये i3 के बराबर आया था, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी मैट्रिक्स में, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, वेक्टर है, तो वही कॉलम मैट्रिक्स यानी वेक्टर हमको मिल जाएगा। और इसकी जो वैल्यू है वो आपको मालूम ही है अल्फ़ा वन की वैल्यू जो है -6, 2 और 1 है, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दिया हमने -6, 2 और 1। अब यहाँ पर ये रेशियो, तो इसका तो हमें फाइंड करना नहीं होता कहीं पर। अब यहाँ पर इन दो के लिए वैल्यू निकालना है, तो इसी टेबल से देख के आसानी से निकल आएगा। एक्स बी तो हमारे सामने ये है, सामने लिखा हुआ है एक्स बी की वैल्यू उसके है ये, और यहाँ पर वाई वन आ चुका था, इनकमिंग वेक्टर अल्फ़ा 1 था, तो वो लिख दिया। तो इसकी इस वैल्यू का यूज़ करना है, इसे ऊपर रखना है, यानी उसको फिर इस वैल्यू को वाई वन की वैल्यू को हमें यहाँ पर नीचे रखना है। तो ये टू वाई टू, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी, y1 ये वाला और x भी ये ऊपर वाला। तो इसमें 4 है, तो 4 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा। तो आपको मालूम है इसमें जो मिनिमम है, छोटा जो है चाहिए होता है रेशियो, तो छोटा 1 है, 4 से एक कम है, एक छोटा है, तो इसे इनकमिंग है, इसे कहेंगे आउट गोइंग। तो ये यहाँ पर एरो लगा दिए, ये चला जाएगा, एक्सपोर्ट चला जाएगा। और इनकमिंग के बारे में पहले ही पता हो चुका था कि ये x1 यहाँ पर यानी यहाँ पर इसमें आ जाएगा। तो अब हम जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि अगला टेबल यानी सेकंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल को यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो सेकंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल। तो सेकंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल को हम यहाँ पर जब बना रहे हैं तो उसमें वैसे ही टेबल को बनाना है। पहले तो बनाना है कि वेरिएबल्स जो भी यहाँ पर आ रहे हैं इन बेसिस में, उनको लिखना है, बदल जाएंगे वेरिएबल्स पहले से, और इसके बाद जो है बेसिस के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन भी चेंज होता है, सॉल्यूशन एक्स भी टेबल को में रिवाइज करना है, और इस हिसाब से ये भी बन जाएगा। फिर अगला जो होता है वो हमारा b1 इन्वर्स का रहता है, तो ये भी चेंज हो जाता है। और ये जो लिखा है लिखते हैं बेटा, ये इसी तरीके से लिखा रहेंगे, ये आपका इंटरनल चीज़ें हैं, आप चाहें तो यहाँ पर एक जो वेरिएबल्स लिखते हैं जेड लिखते हैं, उसके लिए पार्टीशन करने के लिए एक इस तरीके से जैसे बनाते हैं, ऐसे आप इधर पीछे भी बना सकते हैं। यहाँ पर बनाया हमने जिसके करस्पॉन्डिंग ये है यहाँ पर, इसलिए इसमें वो भी डॉट कर सकते हैं।
ऑफ ए वेरिएबल अभी एक्स फोर आउट गोइंग था, देखिए एक्स फोर आउट गोइंग था तो इसकी जगह पर कौन था इनकमिंग, वाई वन था, यानी यहाँ पर एक्स आपकी एक्स वन आ जाएगा बेसिस में, तो एक्स वन आ गया, यानी ये बेसिस एक्स बी वन लिखेंगे पहले बेसिस का है, और एक्स हमारा पहले से जो है फाइव वो ले रखा रहेगा, एक्स बी टू है ये, और बाकी दो चीज़ें चेंज हो जाएंगी यहाँ पर, और बी को यहाँ पर कंप्लीट करना है, ये बीटा नॉट है, ये बी वन है, और यहाँ पर बी टू है, बी टू वन, और यहाँ पर आप चाहें तो ये वैल्यू थी ई वन की, और अब जो आ गया है यहाँ पर बीटा नॉट, वो पहले तो था अल्फ़ा फोर था, अब क्या आ गया ये अल्फ़ा वन, तो ये तो अल्फ़ा फाइव था तो वही रहेगा, लेकिन ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगे क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग वैल्यू आती है, और यहाँ पर आप वाई क्या आएगा इंडेक्स अभी ना लिखें, या ऊपर ज़रूर वन लिख लें, और हो सकता है ये टेबल की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी हमें अगवी से नहीं कह सकते कि पड़ेगी या नहीं हो पड़ेगी, वो डिपेंड करता है कि हमारा ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं, और ऑप्टिमल होगा तो यहीं पे छोड़ देंगे, नहीं तो इनको भरना होगा हमें, एक्स भी अपन वाई लिख के छोड़ दीजिए, इंडेक्स क्या आएगा वो भी दोनों में सेम यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिलहाल अब हम पीछे टेबल में जाते हैं, यही मेन स्टेप है, क्योंकि हमें इसमें इस टेबल में देखिए इनकमिंग कौन था, इनकमिंग जो था आउट गोइंग हमें मालूम हो गया, इनकमिंग जो था वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और आउट गोइंग ये जा रहा है एरो, तो ए इनकमिंग इनकमिंग और आउट गोइंग क्रॉस जहाँ करते हैं, क्रॉस जहाँ पर करते हैं वहाँ पर हम, यहाँ पर इनकमिंग तो ये है, ये दोनों ये क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये की एलिमेंट मिल जाता है, की एलिमेंट को हमें वन बनाना होता है सबसे पहले, तो यहाँ पर वन बनाने के लिए आप क्या करें, शुरुआत करें यहाँ से कि डिवाइड करना शुरू करें, यहाँ से वन बनाने के लिए टू से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से टू से डिवाइड करते हुए सारे लिखें, लेकिन इसको हमें नहीं लिखना होगा, यानी ये वाला कॉलम जो है वो नहीं लिखना होगा, बाकी ये सारे लिखने होंगे, तो इधर वन आ जाएगा तो ज़ीरो, वन बाई टू इधर ज़ीरो आ जाएगा टू से डिवाइड करने के बाद, तो हम लिख दे रहे हैं वहाँ पर डायरेक्ट, तो इन बिलो वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर जो जेड वाला बाद में लिख लेंगे हम लोग, पहले एक्स वाला ही लिख लेते हैं, तो वन ज़ीरो वन बाई टू और ज़ीरो ये लिख दिया। अब की एलिमेंट जिसमें होता है उसी को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं अपनी नेक्स्ट टेबल में, और उसके बाद इसकी हेल्प से हमें ऊपर ज़ीरो बनाना होता है, तो आप इसको ज़ीरो ज़ीरो कैसे बनाएंगे, हालांकि वो लिखना ज़ीरो नहीं है वहाँ पर, लेकिन इसकी हेल्प से ज़ीरो कैसे बनाएंगे, तो ज़ीरो बनाने के लिए आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा थ्री से इंटू करेंगे तो सिक्स हो जाएगा, उसमें ऐड करेंगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा, लेकिन आपको पूरे इसमें इंटू करना है, लिखना नहीं है, इसमें इंटू करना हर एक एलिमेंट में, और इसमें जाके क्या कर रहा था ऐड किया था, तो सभी को ऐड करना है इस वाले में, और लिखना है अपनी नेक्स्ट वाली टेबल में जेड वाले रो में, तो यहाँ पर इस वाले को नहीं लिखना होता है, लेकिन काम यहाँ पर करना होता है कि वन बनाया उसके ऊपर ज़ीरो उसके नीचे ज़ीरो बनाना होता है, तो ये वन तो बन चुका है, हमने टू से डिवाइड किया, अब जैसे बात बताई हमने कि ज़ीरो बनाना है, तो थ्री से पूरे में मल्टीप्लाई किया, ये सिक्स हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, थ्री हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो है तो सिक्स हो जाएगा, ऊपर ज़ीरो में ऐड होके यहाँ पर हम सिक्स लिख देंगे, और यहाँ पर तो कोई फेक नहीं पड़ेगा, वन था तो वन ही रहेगा, और यहाँ पर हमने जब हमने थ्री से इंटू किया और जाके ऐड किया तो यहाँ पर थ्री हो जाएगा, और ये ज़ीरो है कोई फेक नहीं पड़ेगा, ज़ीरो में जुड़ेगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो इन्हीं चीज़ों को जो हमने बताया इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम सिक्स, यहाँ पर नो इफेक्ट, इधर ऐड किया था तो थ्री आ गया और इधर ज़ीरो आ गया, इस वाले को नहीं लिखते हैं, और फिर हमें अब इसी टेबल का यूज़ करते हुए यहाँ पर देखिए की एलिमेंट टू था, तो हम यहाँ पर इसके ज़ीरो बनाना है, तो देखिए हम इसी का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ नहीं करना है, या कोई और हो तो उसका यूज़ नहीं करना है, की एलिमेंट जो आया उसी से यूज़ से इसको ज़ीरो करें, तो हम पहले तो इसमें वन बनाएंगे, तो वन बनाने के लिए टू से डिवाइड कर दें, और वो हम काम कर चुके हैं,
वो काम यहाँ पर किया था, ये इनका यूज़ कर सकते हैं। इसमें से जब घटाएंगे इसको जो टू से डिवाइड करने के बाद आएगा कि वन आ जाएगा, वन में से वन घटाएंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो क्योंकि हमें इनमें ही चेंजेस करना होते हैं, इसका यूज़ नहीं करना होता, बस इसे देखना होता है कि इससे मैच हो जाए, और फिर इसे टू से डिवाइड किया वन आ गया, वन में से वन माइनस करेंगे ज़ीरो आ जाएगा। तो हम ये वन बना चुके हैं यहाँ पर, तो इन एलिमेंट का हम यूज़ करेंगे। तो इनको घटाएंगे, इन में से घटाएंगे, तो चार फोर में से सबसे पहले तो वन घटाएंगे, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ पर थ्री लिख देंगे। उसके बाद इस ज़ीरो में से घटाएंगे इस ज़ीरो को, तो ज़ीरो ही आएगा। और फिर इसमें इसके बाद ये है ज़ीरो, इस ज़ीरो में से माइनस करेंगे वन बाई टू, तो माइनस का वन बाई टू आएगा। फिर हम यहाँ पर इस वन में से माइनस करेंगे इस ज़ीरो को, तो चेंज नहीं होगा, वन आएगा। तो ये हो गया है। अब हम लोग अगली टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे कि ये जो हमारा रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल जो सेकंड आई है, क्या ये ऑप्टिमल है। तो उसको वो चेक कैसे होती है, वो चेक जो होती है आपको मालूम है कि नेट एवोल्यूशन चेक करते हैं, यानी डेल्टा की जो वैल्यू जो बेसिस पे नहीं है, यानी आपकी कौन है एक्स वन और एक्स फाइव है, एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर नहीं है, तो डेल्टा टू डेल्टा थ्री और डेल्टा फोर की वैल्यू हमको फाइंड करना होगी। उससे पहले आपको ये बता दें कि हमारा जो इम्प्रूव सोल्यूशन है वो ये आ चुका है। अभी हम यहाँ से लिख सकते हैं, पहले से इम्प्रूव हो चुका है, इम्प्रूव सॉल्यूशन। ये ऑप्टिमल है या नहीं वो अभी हम लोगों को चेक करना होगा डेल्टा की वैल्यू को देख के। एट दिस आइट्रेशन, इस आइट्रेशन पे यानी हमारा सेकंड आइट्रेशन पर जो इम्प्रूव सॉल्यूशन है वो ये आ चुका है। जेड की वैल्यू सामने नज़र आ रही है, सिक्स है। इसको अगर ना भी लिखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स वन की वैल्यू वन है, यह है आगे हम सॉल्यूशन लिखने में आसानी होगी। यहाँ पर एक्स टू यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ से ज़ीरो लिखेंगे, एक्स थ्री प्रेजेंट नहीं है ज़ीरो लिखेंगे, एक्स फोर प्रेजेंट यहाँ पर नहीं बेसिस में ज़ीरो, एक्स फाइव है जिसकी वैल्यू यहाँ पर जो है वो थ्री के इक्वल है वो लिख दी। ये सॉल्यूशन अभी फ़िलहाल है, इसके में जो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको मालूम है प्रेजेंट यहाँ पर एक्स वन और एक्स फाइव हैं, जो नहीं है उनके करस्पॉन्डिंग डेल्टा की वैल्यू यानी डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा फोर, क्योंकि यहाँ पर एक्स बेसिस में नहीं है, एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर नहीं, उन्हीं के करस्पॉन्डिंग में डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करना होता है। और उस फार्मूले से निकलता है माइनस वही फार्मूला जो पहले लिखा था फर्स्ट रो, लेकिन वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है इस टेबल के अकॉर्डिंग होती, क्योंकि बी वन इनवर्स हमेशा ये यहाँ इस टेबल्स में जो होता है उसी को लिया जाता है। और यहाँ पर देखिए ये भी वैल्यू चेंज हो गई, अल्फ़ा डेल्टा टू के करस्पॉन्डिंग ये अल्फ़ा टू की वैल्यू लिखना है, अल्फ़ा थ्री की वैल्यू, अल्फ़ा फोर की वैल्यू, ऊपर तो आपको मालूम ही वन वन लिखना ही है, क्योंकि ये हमारा जो रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है जो इंडिकेट कर रहा है माइनस, और इसमें फर्स्ट रो जो कि एक कॉलम एक वेक्टर है, सॉरी यहाँ पर मैट्रिक्स की फार्म में लिखना है जो कि एक रो वेक्टर है, ये इसको लिखना होता है वन ज़ीरो थ्री को लिखेंगे, वन थ्री ज़ीरो को लिखेंगे, और अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा फोर, ये आप शुरू में चले जाइए और वहाँ पर जो मैट्रिक्स फार्म में लिखा था अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री अल्फ़ा फोर ये कॉलम वहाँ से नोट करना होंगे, उनको वहाँ से जाके नोट करके यहाँ पर यानी कॉपी करके इधर पेश करना होंगे। अल्फ़ा टू की वैल्यू टू माइनस वन और ज़ीरो है, और अल्फ़ा थ्री की जो वैल्यू है वो थ्री माइनस थ्री टू और फोर है, अल्फ़ा फोर की वैल्यू वहाँ से देख रहे हैं ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो है, ज़ीरो वन ज़ीरो है। तो अब इसमें रो बाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले सी बात है एक रो है तो आपका यहाँ पर एक ही रो आएगा, कॉलम तीन है तो इस रो का इस कॉलम में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा टू माइनस का थ्री प्लस का ज़ीरो, और एक ही रो होगा कॉमा लगा सकते हैं, इसका इंटू इसमें करेंगे तो माइनस का थ्री प्लस का सिक्स और फिर ज़ीरो आ जाएगा, फिर कॉमा इसका इंटू इसमें करेंगे तो आ जाएगा ज़ीरो प्लस का थ्री प्लस का ज़ीरो। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा फोर की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी, माइनस ये माइनस का वन मिलेगा, ये थ्री आ रहा है और ये भी थ्री आ रहा है, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वन माइनस का थ्री ये वैल्यू आ चुकी है।
अब यहाँ पर डेल्टा की जो वैल्यू हमको मिल गई है, लेकिन ये है कि जो हमें डेल्टा की वैल्यू मिली है, यानी जैसे कि हम देख रहे हैं डेल्टा 2 की वैल्यू 1 है, डेल्टा 3 की वैल्यू -3 है और डेल्टा 4 की वैल्यू -3 है। इसमें जो डेल्टा 2 की वैल्यू आई है वो पॉजिटिव वैल्यू आई, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिला है, सिंस डेल्टा 2 इज़ पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव जब तक रहेंगे डेल्टा की वैल्यू तब तक हमें सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो कह सकते हैं दिस सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। ये सॉल्यूशन अभी जो है वो ऑप्टिमल नहीं है, ये सॉल्यूशन अभी ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल बनाने के लिए आपको मालूम है अगली स्टेप होती है कि ये हमने चेक कर लिया कि ऑप्टिमल नहीं है, तो इसे इम्प्रूव करना है, यानी हमारा थर्ड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल बनेगी। ये तो अब तय हो चुका है, और उसमें फिर इनकमिंग कौन होगा, आउटगोइंग कौन होगा, ये डिसाइड करता है डेल्टा की वैल्यू से ही, यानी डेल्टा के जो की वाला होता है वो डिसाइड करता है। जो मैक्सिमम अभी हमने जो डेल्टा निकाले हैं, यानी डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, क्लियर सी बात है कि ये जो है वो 1 के बराबर है, जो डेल्टा 2 के करस्पॉन्डिंग है। इस तरीके से हम कह सकते हैं के की वैल्यू जो है वो हमारी 2 के इक्वल आ चुकी है। 2 के इक्वल आ चुकी है तो हम कह सकते हैं यहाँ से देयरफॉर अल्फ़ा 2 1, तो लिखने के ऊपर आपको इज़ इनकमिंग वेक्टर होगा, इनकमिंग वेक्टर, इसको इनकमिंग वेक्टर ले लेंगे, और इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलेगा, इट मींस दैट जो x2 होगा, x2 विल इंटर द बेसिस। अब ये तो पता हो गया कि बेसिक सॉल्यूशन में ये इंटर करेगा x2, लेकिन कौन आउटगोइंग होगा वो देखना है। तो आउटगोइंग से पहले हम यहाँ पर जो एक कॉलम छोड़ आए हैं, यानी ये वाला, इसको पता हो चुका है ये के की वैल्यू 2 है, तो इधर भी यहाँ 2 लिख देंगे, और इनकी जो वैल्यू है क्या लिखेंगे उसके लिए देखिए, पहले वाली टेबल में तो चल जाएगा आप ये कॉलम जो था अल्फ़ा 1 वाला, बाई 1 के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा 1 लिख देते, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स जो है यहाँ पर चेंज हो चुकी है, क्योंकि आप जिस फार्मूले से ये निकालते हैं, यानी y2 1 निकाल रहे हैं, तो इसमें फार्मूला होता है v1 इनवर्स और अल्फ़ा 2 है ये, तो इसलिए 2 आ गया। तो ये चूँकि चेंज हो जाता है इसलिए ये i नहीं है, तो इसलिए हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो b1 जो अभी यहाँ पर इस टेबल में, यानी सेकंड टेबल में है, इसको हमें नोट करना होगा यहाँ पर, और जो कि था 100 3 1/2 -1/2 001, इसको लिखेंगे। फिर ये अल्फ़ा जो 2 है, अल्फ़ा 2 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर नोट करना होगा। अल्फ़ा 2 की वैल्यू वही होगी जो आपको जो शुरू में जो मैट्रिक्स फाइव में कन्वर्ट किया था टेबल में, अल्फ़ा 2 की वैल्यू वही है, 2 -1 0, तो उसको यहाँ पर नोट कर देंगे, लिख देंगे 2 -1 और 0। तो यहाँ पर रो वाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर रो हैं तो 3 रो मिलेंगे, और कॉलम एक ही तो एक ही कॉलम मिलेगा, और एक मैट्रिक्स यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। रो वाई कॉलम मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, इसका इनटू जब यहाँ करेंगे तो हमको मिलेगा 2, प्लस करते जाएंगे इधर आगे बढ़ेंगे, यहाँ नीचे बढ़ेंगे, फिर माइनस का 3 आ गया, प्लस फिर 0 आ जाएगा ये, फिर सेकंड रो को लेंगे इसमें इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा माइनस का 1/2, फिर आगे 0 का 0 में इंटू होकर 0 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम इधर आगे बढ़ेंगे इधर नीचे बढ़ेंगे तो 0 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 1/2, 0 प्लस का 1/2 और 1 का करेंगे 0 में तो ये 0 आ जाएगा। तो सॉल्व करके हमें y2 1 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी, इनका जो डिफरेंस है वो आ गया, देखिए माइनस का वन आया है, और ये -1/2 है, और प्लस का 1/2, ये y2 1 की वैल्यू आ चुकी है, जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे -1 और -1/2 और 1/2। इसकी हेल्प से हम
ये मिनिमम रेशियो जो आउटगोइंग के लिए होता है उसको हम निकाल सकते हैं। आपको मालूम है ये तो इसमें तो कुछ करना नहीं है हमें, इसमें इन दोनों के लिए हमें देखना होता है। तो फिर यहाँ पर तो आउटगोइंग में कभी जाता नहीं है, तो जो निगेटिव है तो उसके लिए तो हमें छोड़ना होगा, और जो पॉजिटिव है उसके लिए हमको यहाँ पर रखना होगा। ये हमारा फिर थर्ड सिंप्लेक्स टेबल यहाँ पर बन जाएगी। तो इसमें हमने जो रेशियो रखनी है, यानी ये रेशियो फाइंड करना है एक्स बी अपान, ये एक्स बी हमारा एक्स बी अपान में ये बाई टू, तो उसको हमको निकालना होगा। देखिए ये निगेटिव होता है उसके लिए हम फाइंड नहीं करते, इसको भी ब्लैंक छोड़ना होता है। तो अब एक्स बी की वैल्यू को डिवाइड करना है बाई टू, बाई टू ये है तो एक्स बी की वैल्यू ये थ्री है, थ्री को जब डिवाइड करेंगे वन बाई टू से तो टू का ऊपर जाके मल्टीप्लाई होकर सिक्स हो जाएगा। और चूँकि हमें सेलेक्ट करना होता है इन दोनों में, मतलब ये किस कौन सी वैल्यू, किस रेशियो की वैल्यू है बड़ी है, तो देख रहे हैं कि एक ही है और वही फिर आउट गोइंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी एक्स फाइव आउट गोइंग में होगा। इनकमिंग के बारे में हमें पता ही चल चुका है, वाई टू जो है वो इनकमिंग है, तो वो यहाँ पर एक्स टू आ जाएगा बेसिस में, जो हम टेबल अगली बनाएंगे फाइंड करेंगे। तो थर्ड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल जो हम अगले पेज पर यहाँ पर बना रहे हैं उसको देखना है। तो यहाँ पर अब थर्ड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल बनेगी, और इसमें भी वही चीज़ लिखनी है जो अभी तक करते आए हैं कि वेरिएबल्स इन बेसिस में जो वेरिएबल्स हैं, रेवेसिस में जो वेरिएबल हैं उनको मैं लिखना है, और उसके बाद में अगला होता है सॉल्यूशन, जिसे हम लोग लिखते हैं एक्स बी, और ये हमारा रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट है, तो वन यहाँ पर लिखेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पर इसी तरीके से बी वन लिखेंगे और इन्वर्स करना होगा, और वो तो ऐसे लिखेंगे वी नॉट वन वी वन वन और वी टू वन। अब अगली टेबल में देखते हैं कि हमारा ये दो कॉलम जो आएंगे या नहीं आएंगे, ज़रूरत होगी तो बनाएंगे, ये तो इनको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पर ईवन, और ये अल्फ़ा वन के करस्पॉन्डिंग चल रहा था, और अभी जो है अब आ चुका है अल्फ़ा टू के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि एक्स टू आया है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स फाइव जो है वो आउटगोइंग है, तो ये एक्स फोर एक्स आउटगोइंग है, तो इसे अल्फ़ा फाइव ना लिख के अल्फ़ा टू लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अल्फ़ा टू और यहाँ वन तो ऊपर लिखना ही है, बाकी टेबल के अकॉर्डिंग ही आता है। जेड यहाँ पर है, यहाँ से आप जेड के बाद पार्टीशन करते हैं, अगर ऐसे कर रहे पार्टीशन रो वाइज तो आप इसको कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वेरिएबल पहले से था एक्स वन, और ये बेसिस का यानी एक्स बी वन है, और दूसरा अभी जो है आउटगोइंग एक्स फाइव है, और इनकमिंग वाई टू है, मतलब यहाँ पर एक्स टू है, तो ये बेसिस का यानी एक्स बी टू लिखेंगे इसे, और बाकी तो आपको मालूम है कि टेबल के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। और टेबल हमारा खास कैलकुलेशन वही होता है। और अभी हम लोगों ने ये टेबल जो सेकंड है वो छोड़ के आए हैं, उसमें की एलिमेंट होना होता है, और की एलिमेंट इस वाले कॉलम को देखेंगे, हमारा ये आउटगोइंग कौन था एक्स फाइव था ये, तो ये ऐसा रो है कि जहाँ दोनों क्रॉस करते हैं वही की एलिमेंट हो जाता है, इसको हमें वन बनाना होता है, तो वन तब बनेगा टू से इंटू करेंगे, तो पूरे इसमें इंटू करेंगे टू से, तो सिक्स हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो इसी को हम सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से लिखना है सिक्स हो गया और ज़ीरो हो गया, फिर माइनस वन हुआ, और फिर हम टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये टू हो गया। अब इसकी हेल्प से हमें इसको ज़ीरो बनाना होता है, तो इसको ऐड कर देंगे, माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई टू ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको इनको हमें ऊपर ऐड करना होगा, तो ये फोर बन जाएगा, एक्स वन वाले में फोर हो गया, इसको ऐड करेंगे ये ज़ीरो ही रहेगा, इसको ऐड किया तो ये भी ज़ीरो ज़ीरो हो गया माइनस प्लस, और इसको ऐड किया ज़ीरो में वन को वन आ गया। अब फिर हमें यहाँ पर है वो बनाना होता है ज़ीरो, तो आपको मालूम है यहाँ पर हम वन टू से इंटू करके वन बना चुके हैं, और पूरे में टू से इंटू किया तो हमें ये मिला था,